अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कंटिन्यू होंगे कि बदलेंगे? नहीं नहीं, अभी तो चुनाव चल रहा है, ये मुख्यमंत्री है ही हमारे। हाँ। पहले एक बात स्पष्ट कर दो कि हमने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यही मुख्यमंत्री हमारा चुनाव को लीड कर रहे हैं। अब चुनाव के बाद जो सरकमटेंसेस होंगे, हमारी मेजोरिटी होगी, उस वक्त पार्टी विचार करेगी। सर्वेस तो बहुत करवाते हैं आप, कितने नंबर का उम्मीद है? देखिए, मैं सर्वे में हमेशा कार्यकर्ताओं का पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। ज़्यादातर चैनलों का सर्वे भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा होता है, चुनाव होता है तब हमें पीछे दिखाते हैं, चुनाव बीच में आता है तो थोड़ा और इम्प्रूव हो गया, चुनाव के दिन हमें बरोबर बरोबर करते हैं, एग्जिट पोल में जीत जाएंगे शायद ऐसा बताते हैं और अंत में हम जीत जाते हैं। आप सारे सर्वे का स्टडी करो, मैं तो राजनीति का विद्यार्थी हूं, मैं करता हूं। कितने सीटों का उम्मीद है सर? मैं मानता हूं हाफवे मार्क पर प्लस 15 से कम नहीं रहेंगे हम, मैं मिनिमम बता रहा हूं। अच्छा, अगर मेजोरिटी नहीं होगी तो कोई सवाल ही नहीं मेजोरिटी न होने का। मैं तो घूमता हूं भैया नीचे, जनता को मिलता हूं, देखता हूं, इसका रिस्पांस देखता हूं, 100% मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की होने जा रहा है। 2018 में मैंने ही इंटरव्यू किया था अमित शाह जी, आपने यही वाक्य बोला था। नहीं ठीक है, हम कितना आए, 106 आए, 104 सबसे बड़े हम थे। यू आर सिंगल लार्जेस्ट। नहीं, 106 थे, हमारे ही दो प्रत्याशी निर्दल थे, कुल मिलाकर 106 आए थे, हम 6 सीट दूर रहे थे, कोई ऐसा इतना बड़ा अंतर नहीं आया था। तो फिलहाल जेडीएस से कुछ सवाल? फिलहाल नहीं, कभी नहीं। मैं तो कर्नाटक की जनता को विनंती करना चाहता हूं कि जेडीएस को वोट मतलब कांग्रेस को वोट, आप आपका वोट तय करिए। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.